सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको आपके Facebook में यहाँ पर वॉच वीडियो का आइकन देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा Facebook अकाउंट है, यहाँ पर मुझे वॉच वीडियो का ऑप्शन मिल चुका है। अगर आपको यहाँ पर वॉच वीडियो का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ पर क्या करना होगा उसको लाने के लिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोज आप देख सकते हैं, अलग से आपको ऑप्शन मिल गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है 4 से 5 सेटिंग्स बताऊंगा उनको करना होगा, आप जो है यहाँ पर वॉच वीडियो का ऑप्शन आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फेसबुक में आने के बाद जो है 3 लाइंस पर क्लिक करना है, देन उसके बाद नीचे आना है। यहाँ नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे सेटिंग, सेटिंग पर आइए। सेटिंग पर आने के बाद आप यहाँ पर जो है स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट बार का ऑप्शन। शॉर्टकट बार पर आइए और यहाँ पर आप देख पाएंगे वॉच का ऑप्शन, ये आपका बंद होगा गाइस। यहाँ पर आपका ये वॉच का ऑप्शन बंद होगा, यहाँ पर जो इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने से आपके जो शॉर्टकट और बार है जो उसमें आ जाएगा, आपको ऑप्शन ये शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है वॉच का, तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको डायरेक्टली अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और ऐप्स में आ जाइए। डन, उसके बाद मैनेज ऐप्स में आइए। यहाँ पर आपको जो है फेसबुक सर्च करना है, मैं कर लेता हूँ। फेसबुक सर्च करने के बाद यहाँ स्टोरेज पर आना है, क्लियर डाटा पर आना है, क्लियर ऑल डाटा पर जाकर इसका क्लियर ऑल डाटा कर देना है। आपको इसको क्लियर ऑल डाटा करना है, देन उसके बाद जो है फिर से लॉगिन करके देखना है अपने फेसबुक अकाउंट को, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप जो है डायरेक्टली प्ले स्टोर में आइए। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर फेसबुक सर्च करिए। फेसबुक सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आया है, जैसा कि मुझे आया हुआ है यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आपको आएगा, तो आप यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। अगर आपने अपडेट कर रखा है, अपडेट नहीं आया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर अपडेट आ चुका है, अपडेट मैंने कर लिया है, यहाँ पर होना स्टार्ट हो चुका है, तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर आप अपने अपडेट नहीं किया होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है टेक्निकल इशू होने की वजह से, अपडेट जरूर से कर लीजिएगा। अगर अपडेट करने के बाद भी नहीं आता है तो आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि यहां पर आप फेसबुक देख सकते हैं, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो पर आ जाना है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल यहां से कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से जो है प्ले स्टोर में जाने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो यहां पर जो है आपको रिकवर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन होगा। उसके बाद ये सब आपने तीनों ट्राई कर लिया है, तीनों ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, फेसबुक पर आना है एक बार। इसको एक बार जो है हम अपडेट होने देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना होगा। फोर्थ यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको होने देते हैं हम इंस्टॉल। आपका अपडेट जरूर से आपको कर लेना है, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टेक्निकल इशू होने की वजह से कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको, तो यहाँ पर ये काम जरूर कर लीजिएगा। इसको ओपन करके देख लेते हैं, अगर ये इंस्टॉल हो चुकी है तो देख सकते हैं आपको जो है डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन में क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये आपका फोर्थ सॉल्यूशन है। ओपन करने के बाद 3 लाइंस पर क्लिक करना है। 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद नीचे आइए, हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस पर आइए। उसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे वॉच का ऑप्शन, वॉच पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने स्क्रीनशॉट ऐड हो चुका है, ये स्क्रीनशॉट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर करना क्या है आप देख पाएंगे, यहाँ पर तो मुझे ऑप्शन आया हुआ है वॉच का, देख सकते हैं यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर वॉच का ऑप्शन मुझे आया हुआ है, बट आपका यहाँ पर नहीं होगा तो आपका ये स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा। जैसे स्क्रीनशॉट ऐड हो जाता है, अब आप यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर लिखिए। अब लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं, फेसबुक टीम माई फेसबुक अकाउंट वीडियो वॉच आइकन नॉट शो ऑन माई फेसबुक, प्लीज़ रिकवर माई वॉच वीडियो आइकन, थैंक्स फेसबुक टीम। आपको ये लिख देना है, अगर इससे अच्छी इंग्लिश आपको आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अच्छे इससे अच्छा तो आपको बस यही लिखना होगा और यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका ऐड जो कर दिया जाएगा आइकन है वो ऐड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। होप आपको सब कुछ समझ आ गया है, आपको यही सब करना होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।